इंडिया आया फायर करने के लिए, देश में और किसी की नहीं चलेगी, सिर्फ हिंदुओं की चलेगी। हम हैं शाहीन बाग के उस टेंट में जहां सैकड़ों की संख्या में महिलाएं बैठी हुई हैं। आज का वो दिन है जब शाहीन बाग की प्रोटेस्ट साइट के करीब एक अननोन मैन ने फायरिंग की। यहाँ पर गोली चली थी आज दोपहर को और आज शाम को और आज रात को यहाँ पर महिलाएं बैठी हुई हैं। काफ़ी सवाल, गंभीर सवाल उठ रहे हैं पुलिस व्यवस्था पर और बीजेपी की भड़काऊ बयानबाजी पर, जिसने ज़मीन पर असर दिखाया है, जिसकी वजह से जामिया में और आज शाहीन बाग में फायरिंग इंसिडेंट देखने को मिला। ये वोट बैंक की राजनीति हो रही है। पहले जामिया में गोली चला दी गई, आज यहाँ पे गोली चला दी गई शाहीन बाग में, तो ये सब क्या है? आज हिंदुस्तान की औरतें उन्हें चैलेंज कर रही हैं, उन्हें ललकार रही है कि तुम गोली भी अगर चला रहे हो तो भी हम रुकने वाले नहीं हैं, अगर तुम लाठी चला रहे हो तो भी हम रुकने वाले नहीं हैं। तो ये औरतों जो उनको चैलेंज कर रही, मर्द तो मर्द औरतें भी कर रही, तो ये उनकी बौखलाहट है, एक तो ये है। और दूसरी बात ये कि चूँकि अभी इलेक्शन है तो इलेक्शन के लिए उनको कोई मुद्दा चाहिए तो वो बना रहे हैं। NRC CA MTR इन्हें ख़त्म कर दो, लिख के दे दो कोर्ट में, तो हम उठ जाएंगे यहाँ से। और आज गोली चली है, डरा रहे हैं हमें, धमका रहे हैं हमें, कोई सा काम सुध तो कर नहीं रहे, ना तो अमित आवे ना मोदी आवे, देखने को क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। हम सर्दी में बैठे हैं, बारिशों में बैठे हैं, वो देख रहा हमें आके। हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमें भाई भाई। गोली चला रहा है तो मोदी जी की पुलिस बिकी हुई है, खरीदी हुई है मोदी जी ने, जब तो चल रही है ने कहा को चल रही है। हमारी सरकार क्या कर रही है बैठ के? महिला यहाँ पे बैठी हुई है फिर भी फायरिंग हो गई। आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी बचाओ, ये क्या हो रहा है? औरत पे तो पूरा केयर करना है ना आपको, कि हमारी जो बहन, हमारी जो बेटी बैठी हुई है, हमारी जो बेटी बैठी हुई है उसको तो देखना है ना मुझे। कोई हमारे कितना भी डराने की कोशिश करे, चाहे कोई गन दिखाए, कोई गोली चलाए, या कोई भी अपशब्द बोले, भड़काऊ भाषण दे, या कोई भी गलत तरीके की बयान करता है, हमें उनकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो उनकी सोच है वो बोल रहे हैं, लेकिन हमें उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हम लोग फिर भी सब्र और तहम्मुल से बैठे हुए हैं। पिछले 50 दिनों से शाहीन बाग की औरतें यहाँ पर बैठी हुई हैं बिना हिले, चाहे वो बारिश हो चाहे सर्दी में। वो लोग ये हौसला दिखा रहे हैं कि वो आज देश के इंक्लूसिव कैरेक्टर, उसकी सेक्युलर वैल्यूज़ और देश की कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई लड़ रही हैं। Thank you.